सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आज आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल सेशन है, और स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ बड़े ही गुणी, बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत और इस समय केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य के पद पर अपनी भूमिका को निभा रहे सर से आज मैं आप सभी का वेलकम कराऊंगा। और आज हम जानेंगे कि सर जो केंद्रीय विद्यालय में काफ़ी समय से कार्यरत हैं, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथी जो कि इस समय इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर सर आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर का प्लेटफॉर्म पर स्वागत करूँगा। स्वागत है मंजीत सिंह सर, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो सर, आज स्टेज कम्प्लीटली आपका है, मुख्य बातें आपको ही करनी है, मेरा सेकेंडरी रोल है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ सर, कि आपने अपने कीमती समय में से ये कीमती समय हमारे लिए निकाला, साथियों के लिए निकाला। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बातों से हमारे साथी ज़रूर बेनिफिट होंगे और अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन में उनको अच्छा खासा गाइडेंस मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपनी बातों की शुरुआत में अपना इंट्रोडक्शन अगर आप पहले दें तो ये हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात होगी। जी धन्यवाद सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मंजीत सिंह और मैं TGT इंग्लिश पोस्ट पे हूँ, और 2019 बैच में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, और अभी करंटली मैं केंद्रीय विद्यालय जोधपुर डोडा जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हूं, और यहां पर मैं इंचार्ज प्रिंसिपल के पद पे भी हूं। बेहद सुंदर सर, इंचार्ज प्रिंसिपल के पद पे आप कार्यरत हैं, इट मींस काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आपके पास हैं, और उन जिम्मेदारियों के आधार पर सिर्फ आप अपना कार्य नहीं उसके अलावा पूरे विद्यालय को चला रहे हैं। तो एक विद्यालय को चलाने के साथ साथ आप ये समझ पा रहे होंगे कि एक विद्यालय में शिक्षकों की जो ज़रूरत होती है, खासकर केंद्रीय विद्यालय में, तो वह किस तरह की ज़रूरतें हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस आधार पर जरूर ये बता पाएंगे कि इंटरव्यू में किस तरीके के कैंडिडेट की डिमांड होती है, और जब आपने खुद इंटरव्यू फेस किया था उस समय आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था। तो पहला सवाल ये मैं आपसे यही पूछूंगा कि जो आपका खुद का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था उसके बारे में आप बताएं, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा हम सभी को जानने में। जी मैं बताना चाहूंगा कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा था, एंड इन फैक्ट आई गॉट 58 मार्क्स आउट ऑफ 60। और इन फैक्ट मैं इंटरव्यू देने के बाद जब बाहर निकला तो आई वाज सो हैप्पी कि टू हुम आई शुड शेयर दैट फीलिंग कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ है। तो जैसे बिल्कुल आपने जो बात कही कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो एक कैंडिडेट्स को बहुत ही ध्यान में रखने होते हैं, और उन पे ज़रूर आज मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है वो ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। सबसे पहले जो बोर्ड ऑफ इंटरव्यूअर्स हैं वो ये देखना चाहते हैं कि क्या ये एक शिक्षक के रूप में, वेदर दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज फिट टू द क्लास और नॉट। सबसे पहली बात यह है कि क्या आप क्लास में अच्छे से आपकी वो कमांडिंग है या नहीं है। सबसे पहले यही चीज़ जो है वो टेस्ट की जाती है। तो क्योंकि मैं परमानेंट जब मैंने दिया था जब इंटरव्यू, तो उससे पहले मैं 5 साल ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में काम कर चुका था संविदा शिक्षक के रूप में भी, तो उसका भी मुझे बहुत जो है बेनिफिट वहाँ पर इंटरव्यू में मिला था। ग्रेट सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, इंटरव्यू को लेकर के बहुत सारे मिथ्स भी हैं, और जैसा कि आपको पता है कि इस बार का जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू में टीचिंग डेमो का एक बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि उसको लेकर के 30 अंक स्पेशली दिए गए हैं। जब आपने इंटरव्यू दिया था तो क्या आपका टीचिंग डेमो हुआ था? अगर डेमो की मैं बात करूं तो बिल्कुल डेमो जो है वो हुआ था, और इनफैक्ट जब मैं डेमो देने के लिए गया था तो मैं आई हैड प्रिपेयर्ड ऑल द पोएम्स ऑफ क्लास 6 to 8 एंड इनफैक्ट 9, 10, 2, और वहां पर मुझे जो है चॉइस दी गई थी कि टेक द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8 एंड टीच एनी ऑफ द पोएम। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा सभी जो हमारे दर्शक जो इसको देख रहे हैं, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कि आप बहुत अच्छे से अपना एक लेसन प्लान, प्रॉपर लेसन प्लान जो है उसको प्रिपेयर करके जाएं। And after when you enter into the class and when you are supposed to start your teaching demo, just be confident,
एंड ट्राई टू जस्ट यू में से इम्प्रोवाइज योर वॉइस मॉड्यूलेशन टू, बिल्कुल एक इफेक्टिव मैनर में आप पूरी क्लास को जो है चलाएं, वो आपके लिए बहुत ही जो है वो अच्छा रहेगा। और डेमो मुझे बिल्कुल देने के लिए कहा गया था एंड आई डिड दैट। मैंने पोएम पढ़ाया था क्लास 8 में, एक पोएम है द स्कूल बॉय, और मेरा उन्होंने फर्स्ट एक बस एक स्टैंजा मैंने पढ़ाया था, तो आफ्टर दैट दे जस्ट टोल्ड मी टू हैव द सीट एट द नेक्स्ट चैट फर्दर। थैंक यू सर। जो इंटरव्यू का जो समय हमको, इंटरव्यू में जो डेमो का स्पेशली समय मिलता है, कल हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे अपनी क्लास में, तो डेमो का जो समय मिलता है क्या वो अनलिमिटेड समय होता है या लिमिटेड समय होता है कि 5 मिनट 3 मिनट, ऐसा कुछ टाइम की अलॉटमेंट होती है या फिर आप अपनी मर्जी से जितना समय चाहे उतना ले सकते हैं? सर एज पर माय एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मुझे नहीं लगता कि देयर इज एनी बाउंडेशन रिगार्डिंग टाइम लिमिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे मस्ट बी लाइक सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस एज अ टीचर। When the moment they get that feeling that that particular candidate is fit for teaching, definitely they will say ki okay, have your seat and let's chat further. तो ये बात है कि कब तक आप अपने आप को as a teacher के रूप में उनको impress कर लेते हैं, that is the biggest thing. उसमें जैसे मैंने लगभग at around 5, 7 or 8 minutes का मेरा demo हुआ था and after that they told me ki please have your seat. और कुछ बच्चों का 20-25 मिनट तक का डेमो भी हुआ था, और मुझे यही लगता है कि वो पैरामीटर यही देखते कि दे गिव अ चांस टू द कैंडिडेट कि हाँ क्या ये इफेक्टिव टीचर है या नहीं है। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द कन्वर्सेशन द कैंडिडेट मे फील बिट नर्वस, तो वो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं 1-2 मिनट का कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर के अपने टॉपिक को जब अच्छे से फ्लो में आ जाए, डेफिनेटली वो देखते हैं इस चीज को। Yes, तो आपका सर जो इंटरव्यू हुआ था उसका ड्यूरेशन क्या था, कितना लंबा आपका इंटरव्यू चला था पूरा डेमो मिला के? सर मेरा इंटरव्यू अप्रॉक्सिमेट 40 to 45 minutes तक जो है वो चला था। 45 minutes तो बहुत ही ज्यादा बड़ा समय है, तो इसमें काफी सारी बातचीत हुई होगी। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा और ये मेरा अनुभव है कि मैं ये नहीं, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा वो नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ऑल द कैंडिडेट्स दोज हु हैव ऑलरेडी वर्कड इन द केवी, हु आर वेरी मच फेमिलियर विद द केवी कल्चर, डेफिनेटली दोज कैंडिडेट्स आर बिट प्रेफर्ड। क्योंकि वहां पर मैंने अपने इंटरव्यू में ये फेस किया था कि देवर आस्किंग मी ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू केवीएस कल्चर्स, and after every question they were saying ki I'm asking you because you have already the part of KV. to main sabhi aspirants ko ye zarur kehna chahunga jo bhi candidates taiyari kar rahe hain ki wo KV culture ko bahut acche se padh kar ke jaye, KV culture ko bahut acche se janna bahut zaruri hai because they want ki hame ek aisa candidate mile, kyunki subject mastery to that is already being checked in the written test. जो हमारा टेस्ट हुआ है उसमें तो डेफिनेटली पर्सन हैज गॉन थ्रू, दैट मींस दैट दैट पर्सन इज कैपेबल। अब वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारे वर्क कल्चर में वो फिट होते हैं या नहीं होते, वो सारी चीजें पर्सनालिटीज जो हैं वो चेक की जाती हैं। सर अगर अगर आप अपनी याददाश्त को उस समय अगर ले जाए तो क्या कुछ क्वेश्चंस आप याद कर पा रहे हैं कि क्या प्रश्न आपसे पूछे गए थे और जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड बाय टू मी दैट वर रिलेटेड टू केवी कल्चर, जैसे उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा था कि पीआई क्या होता है। ठीक है, पीआई क्या होता है कि आप अगर 10th क्लास पढ़ा रहे हैं तो आपका कितना पीआई था, तो फिर मैंने बताया उनको। जैसे उस टाइम पर हमारे टाइम पर बैक टू बेसिक का बहुत जो है जोर दिया गया था, तो बैक टू बेसिक के कुछ पैरामीटर्स पूछे थे। ठीक है, उसके बाद टीएलओज क्या है वो पूछा गया था मुझसे, और सब्जेक्ट की बात करें तो दे आस्क्ड मी लाइक एक क्लास 6 में एक चैप्टर है फेयर प्ले, उनके राइटर के बारे में पूछा था कि वो कौन है। आफ्टर दैट दे शिफ्टेड टू द पोइट्री पार्ट वेयर दे आस्क्ड अबाउट द रोड नॉट टेकन, द पोएम ऑफ क्लास 9th, उसका थीम पूछा था कि व्हाट बेसिक आइडिया दैट पोएम टीचेस अस। उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में भी पूछा था उन्होंने। अच्छा सर, कल जब हम डेमो की क्लास कर रहे थे तो उसमें टीजीटीज और पीजीटीज का एक कंसर्न था, जैसे कि प्राइमरी का जब हम डेमो देते तो उसमें जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, गाना, थोड़ा सा डांसिंग हो गया, एक्शंस वगैरह बहुत होते हैं, लेकिन वही बात जब टीजीटीज में यानी कि सीनियर क्लासेस में जब हम चले जाते हैं तो वहाँ पर कैंडिडेट वर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड वेदर व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न, टीचिंग पैटर्न दे शुड अडॉप्ट।
देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं बताऊं तो आई जस्ट वेंट इन टू दैट रूम एंड आई फॉरगॉट कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, पर्टिकुलरली द मोमेंट दे टोल्ड मी कि आप पढ़ाइए. मैं बिल्कुल, क्योंकि पिछले 5 साल से केवी में पढ़ा ही रहा था, सो आई वॉज वेरी मच फेमिलियर विद एवरीथिंग. तो मैंने द मोमेंट आई टुक द बुक एंड स्टार्टेड टीचिंग द पोएम, मैं बिल्कुल भूल गया कि आई एम टीचिंग टू अ पैनल ऑफ मेंबर्स. मैं बिल्कुल नॉर्मल टीचिंग जो है अपनी, द वे आई यूज टू टीच टू द स्टूडेंट्स, मैंने वो ही किया. और मुझे ये लगता है कि जैसे ठीक है, अगर पोइट्री आप पढ़ा रहे हैं, इफ यू आर कैपेबल ऑफ, देन यू कैन डू दैट इन अ मैनर टू. बट इफ यू आर नॉट, तो द मेन आइडिया इज दे वॉन्ट कि हाउ इफेक्टिवली वी आर ट्रांसफरिंग आवर नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, वेदर द स्टूडेंट्स आर बींग इन्वॉल्व या नहीं. ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जो हैं बस पैसिव लिसनर्स बन करके रह गए हैं. इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्लास कितनी है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा, बाकी कोई, मुझे लगता है कि कोई ज्यादा डांसिंग वे में पढ़ाने की, जैसे प्राइमरी में जो है वो ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि बच्चे थोड़ा छोटे होते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं अगर इस तरह के जेस्चर्स के साथ पढ़ाया जाए तो. तो मतलब टीजीटीज में इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ कंटेंट क्या है. बिल्कुल एग्जैक्टली, कि अब कौन सा पोएम आपको या कौन सा टॉपिक जो है आपको पढ़ाने के लिए कहा गया है. और इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर बोर्ड की वेदर यू आर गिवन योर फ्रीडम ऑफ सेलेक्टिंग योर टॉपिक और नॉट. जैसे मुझे बताया गया था कि क्लास उन्होंने दे दी कि टेक द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास एट एंड टीच एनी ऑफ द पोएम, तो हो सकता है वो स्पेसिफिकली भी कह लें. अब मैं ये जरूर अपने जितने भी दर्शक हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जब मैं गया था तो यू तो मैंने सारी पोएम्स ऑलमोस्ट याद भी की थी, बट आई हैड द क्लियर आइडिया that if I am asked to teach from class 6th, so I will go with this poem or with this topic. So, जैसे मैंने सोच लिया था कि अगर class 6th के लिए कहा जाएगा, I will go with the poem, the quarrel, a quarrel poem है. Then if we talk about class 7th, I was very much sure that I will go with the poem, the shed. And similarly, class 8th के साथ कि the school boy. So, सारे candidates इस बात का ध्यान रखें, have the crystal clear thought that what you are going to represent there. मैं ये भी जरूर बताना चाहूंगा कि हर कैंडिडेट अपने आप में जो है वो स्पेशल होता है. तो आप हर एक कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाटएवर यू हैव बिफोर दे आस्क यू, ट्राई टू गेट दैट इंफॉर्मेशन टू देम. जैसे मैं बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए कि मैं थोड़ा बहुत नॉलेज म्यूजिक का भी रखता हूँ, तो मैंने अपने फॉर्म में मेंशन भी किया हुआ था कि व्हेन आई वाज पोस्टेड एट केंद्रीय विद्यालय किश्तवाड़, सो मैंने वहां पर ये लिखा था कि आई वर्क्ड एज अ म्यूजिक टीचर टू, एंड द प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर केवी आस्क्ड मी दैट हाउ इज दिस पॉसिबल, यू बीइंग इंग्लिश टीचर हाउ यू हैव वर्क्ड एज म्यूजिक टीचर. सो देन आई टोल्ड कि पिछले 1.5-2 साल से वहां पर कोई म्यूजिक टीचर नहीं था, बट स्टिल मैंने सारी म्यूजिक की जितनी भी एक्टिविटीज थी, आई यूज टू जस्ट टेक अप दोज एक्टिविटीज. और इनफैक्ट नेशनल लेवल तक हमने बच्चों को रीजनल लेवल में सेकेंड अपने ग्रुप सॉन्ग में दिलवाया था. सो दे वर लाइक वेरी मच यू मे से इम्प्रेस्ड विद दैट थिंग कि नहीं ठीक है चलो, अगर हमारे पास जो कैंडिडेट आ रहा है, क्योंकि केवी सब लोग जानते हैं कि केवी वॉन्ट्स द मल्टी टैलेंटेड पर्सन, कि मल्टीटास्किंग हमेशा होती है, कि एक सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने से केवी में जो है थोड़ा काम नहीं चलता, सब लोग जानते हैं इससे भली भांति. तो मल्टीटास्किंग जितनी होगी, आपके अंदर जो टैलेंट है, जस्ट थ्रो आउट दैट टू देम सो दैट दे कम टू नो अबाउट दैट. हाँ सर, इसी के बारे में कल बातचीत चल रही थी और उसी में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, जैसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हो गई. उसी के साथ साथ एक टॉपिक बनता है हॉबीज़ का, हॉबीज़ पसंद नापसंद. तो उसमें हॉबीज़ को सेलेक्ट करने में कैंडिडेट बहुत अपने आप को इशू फेस कर रहे हैं कि वो क्या हॉबी बताए, क्योंकि जहाँ वो हॉबी बताते उस हॉबी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. कुछ हॉबीज़ ऐसे होते हैं जो टीचिंग से जुड़े होते हैं, कुछ हॉबीज ऐसे होते हैं जो टीचिंग से बिल्कुल अलग होते हैं. तो एक कैंडिडेट कैसे हॉबी चुने? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा सर कि बिल्कुल बी वेरी फेयर विद व्हाइल सेलेक्टिंग योर हॉबी, क्योंकि समटाइम्स सपोज इफ अ पर्सन इज नॉट दैट मच हैबिचुअल ऑफ रीडिंग, और वो ये कह देते हैं बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स यूज टू से कि मेरी हॉबी जो है वो रीडिंग है, so definitely they will ask you the question, they will start asking you the questions ki how many books you have read so far, कि कौन से आपके फेवरेट राइटर हैं जिनको आप पढ़ रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा अपना हॉबी सेलेक्ट कर लें जिसमें आप खुद फंस जाएं. जो जेन्युइन है, जो आपकी सच में हॉबी है,
उसी को आप सेलेक्ट करें, जैसे मैंने कहा था कि म्यूजिक इज माय हॉबी एंड इन फैक्ट दे आस्क्ड मी टू सिंग द सॉन्ग एज वेल देयर इन द इंटरव्यू, सो व्हिच वाज लाइक अ ब्लेसिंग टू मी व्हिच आई फेल्ट. तो इफ यू आर वेरी क्लियर इन योर थॉट्स कि आपको क्या बताना है, तो डेफिनेटली आप हर क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे वहां. अच्छा सर, जैसे आजकल बच्चे इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं तो उस दौरान जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन को वो प्रिपेयर करते हैं, तो क्वेश्चन को प्रिपेयर करते वक्त कैसे उनको प्रिपेयर करना चाहिए? क्या उनको उसको याद रखना चाहिए या पॉइंटर्स बनाना चाहिए, या फिर आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछा गया जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए या फिर अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताइए, तो एक कैंडिडेट से कैसे सुनना पसंद करेंगे इंटरव्यूअर्स, यानी कि उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर ये तो द वेरी बेसिक क्वेश्चन इज कि इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में देखिए हमें भी बताया सिखाया गया था कि जब भी आप व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ ट्राई टू शो व्हाटएवर यू हैव. से फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज इंट्रोड्यूसिंग, तो वो ये कह सकता है कि आई हैव डन ग्रेजुएशन विद फर्स्ट डिवीजन लाइक दिस, मतलब इस तरह से कुछ वर्ड्स को यूज किया जा सकता है जिससे आपकी यू में से सुपीरियरिटी जो है वो उन तक पहुंच सके. ठीक है, इस तरह की आपको हाँ थोड़ा सा जो है अलग किया जा सकता है. से फॉर एग्जांपल इफ somebody is simply saying I have done graduation from this and this college, तो that won't make a difference because they might have heard that from number of students. But उसी में अगर आप add up कर देते हैं, need not कि से फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी बच्चे के ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आए हो, लेकिन देर इज द पॉसिबिलिटी कि उस बच्चे के किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हों. जैसे मैंने ग्रेजुएशन बीएससी मेडिकल किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि आई हैव डन ग्रेजुएशन इन मेडिकल साइंस विद 90% मार्क्स और सिक्योरिंग 90% मार्क्स इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट लाइक दैट. हम अपने आप को अच्छा बेहतर शो कर सकते हैं. They don't know anything about you. It is only you that how you're representing yourself. कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करें, दैट दैट डेफिनेटली विल मेक अ डिफरेंस जो आपको दोस्तों से अलग करेगा. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं. सर, जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यूज चल रहे हैं, आई होप आपके यहाँ भी हुए होंगे, तो ऐसे में जब आप इंटरव्यूज लेते हैं सो डेफिनेटली सब कुछ आपकी गाइडेंस में ही वहाँ पर चल रहा है, तो कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये वीडियो सभी श्रेणी के बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी हों चाहे वो टीजीटीज हों, तो आपका क्या क्राइटेरिया रहता है कि किसी कैंडिडेट को किस बेसिस पर चुना जाए या फिर किस बेसिस पर नहीं चुना जाए? देखिए सर, सब पहले जैसे मैं बता चुका कि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है टीचर का वो यही है कि हाउ मास्टर दैट पर्टिकुलर टीचर इज टू हैंडल द क्लास, कि क्या एक टीचर जो है वो क्लास हैंडलिंग उसमें आती है या नहीं आती है. सेकंड इज कि ट्रांजिशन, मतलब ये कैसे चेक करेंगे, आप कैसे चेक कर रहे हैं कि कैंडिडेट ऐसा क्या शो कर रहा है जिसे आपको हिंट लग रहा है कि ये क्लास को अच्छे से मैनेज कर पाएगा. से फॉर एग्जांपल कि ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से ही कुछ अटपटे से सवाल पूछना कोई शुरू कर दे, तो क्या उस समय पर वो टीचर जो है वो नर्वस होकर के डर रहा है या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से उन सवालों को उनका जवाब दे करके उस पर्टिकुलर बच्चे को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है. ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनसे हम ये वहां पर भी इवेलुएट कर सकते हैं. हो सकता है कि कोई वाइल द टीचर इज गिविंग द डेमो, तो कोई वही बोर्ड मेंबर्स में से ही कोई ऐसा अटपटा सा सवाल पूछ ले बींग अ चाइल्ड, तो क्या उस समय पर जो है टीचर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं, या वो बहुत कामली उन चीजों को हैंडल करके बहुत अच्छे से बच्चे को जो है जवाब प्रश्न का उत्तर देते हैं. ये कुछ चीजें हैं जो हम जिससे जज कर सकते हैं कि क्या अच्छे से क्लास हैंडल हो पा रही है या नहीं हो पा रही. इसका मतलब सर, इन बातों में तो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी साथ में जोड़ दिया कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है. सर, कुछ लोग जैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि क्या प्रिपेयर करें, कुछ लोग कहते हैं कि जीके याद कर लो, मतलब हर एक व्यक्ति जो भी सुन के आता है उसको लगता है कि ये प्रिपेयर किया जाए, कोई कहता है जीके याद कर लो, कुछ लोग तो यहाँ तक कंफ्यूज है कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पढ़ लो, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सब्जेक्ट्स पढ़ लो. आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर क्या किस हद तक एक कैंडिडेट को एडिशनल चीज़ों के बारे में स्टडी करना चाहिए? देखिये सर, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो इंटरव्यूअर है वो ये तो जरूर जानना चाहेंगे कि क्या हमारा जो टीचर है वो अप टू डेट है या नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है. डेफिनेटली वो जरूर ऐसा ऐसा
टीचर चाहेंगे कि हमारे सिस्टम के साथ जुड़े जो अप टू डेट रहे, ठीक है। तो जीके नहीं तो करंट अफेयर के हो सकता है कोई कुछ प्रश्न जो है वो पूछे जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत पिछले 6-8-10 महीने का पूछ लें, हो सकता है रिसेंट जो उस समय पर 15-20 दिन के अंदर कुछ चल रहा हो उन टॉपिक्स पे कुछ बात की जाए, ये बिल्कुल इसकी संभावनाएं जरूर हैं। ग्रेजुएशन के भी सब्जेक्ट्स में से पूछा जा सकता है कि जस्ट ये चेक करने के लिए कि क्या जो पढ़ करके टीचर आया है वो अभी उसकी कितनी रिटेंशन है और उसको किस तरह से वो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस विषय के हम टीचर हैं सिर्फ वही सब्जेक्ट हमें स्कूल में पढ़ाना पड़ सकता है। समटाइम्स क्योंकि हमारे ऐसे सिस्टम में ऐसे भी स्टेशन है जहाँ पर आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी पढ़ाना पड़ सकता है, तो वो सारी चीजें भी वहां पर चेक की जाएंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली जो है वो उस पर्टिकुलर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उन पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे ही जो है ज्यादा उनका फोकस रहेगा। सर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है बहुत बड़ा कंसर्न है सभी का, वो है लैंग्वेज का। जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू लेते वक्त या इंटरव्यू जब होता है तो एक इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, इस चीज़ को लेकर के एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मान लीजिए मैं एक एस्पिरेंट हूँ और अभी मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, अंग्रेज़ी में मेरा हाथ थोड़ा तंग है या फिर मैं अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस करता हूँ अंग्रेज़ी में, तो ऐसी स्थिति में मुझे इंटरव्यू को कैसे फेस करना चाहिए या इस समय मेरी क्या मुझे क्या करना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो ये है कि टू बी वेरी फ्रैंक कि इंटरव्यू किस लैंग्वेज में लिया जाएगा दैट विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन कि किस क्षेत्र में इंटरव्यूज हो रहे हैं और वहां पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की क्या थॉट प्रोसेस है। लेकिन एक बात जरूर है क्योंकि सब लोग जानते भी हैं और मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि सिंस केवीज आर द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड द फोकस एज फार एज द स्पोकन पार्ट इज कंसर्न द फोकस इज ऑन इंग्लिश, वेर एज सब लोग जानते हैं कि राजभाषा अधिनियम के अनुसार लिखित कार्य सभी हिंदी में करने होते हैं, लिखित कार्य जितने भी हैं वो सब हिंदी में करने, लेकिन स्पोकन की बात करें तो फोकस इज ऑलवेज डन ऑन लाइक इंग्लिश। सो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे थोड़े से इंग्लिश में कमजोर हैं उनको डरने की जरूरत है, बट दे शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट सम बेसिक स्टेप्स जो हैं या बेसिक इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली लाइक द पर्सनल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, तरह की चीजें जो हैं वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें इंग्लिश में तैयार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस इंग्लिश पे रहता है ये बात श्योर है। मतलब चाहे कितने भी कमजोर हो कोशिश करनी पड़ेगी, ईमानदार कोशिश सबको करनी, ईमानदार कोशिश को जरूर कंसिडर करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये सर तो लगभग सारे सवाल तो मेरी तरफ से हो गए और आपने बहुत ही बखूबी और मुझे लगता है पूरे अनुभव के साथ सारी बातों को जोड़ा है और सारी बातें एकदम क्लियरली जो है सभी साथियों तक पहुंच भी गई होंगी। सर केंद्रीय विद्यालय के अंदर काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय बहुत ही हेक्टिक है, केंद्रीय विद्यालय में लोग बहुत काम होता है, बहुत ही प्रेशर होता है, कि केवी में ये होता है, केवी में वो होता है, स्टेट बहुत अच्छा है, इन सब चीज़ों को लेकर के आपका क्या टेक है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा इट्स प्योरली अ मिथ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली फॉर दोज हु आर कीन लर्नर्स, जो सीखना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी जीवन शैली में ये एक वो धारणा बनाई है कि हमें नई चीजें सीखनी है, डेफिनेटली केवी इज अ प्लेटफॉर्म कि जहां पर आप अपने आप को एक अलग लेवल पे देखते हैं। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, 2000 मैंने केवी ज्वाइन किया था एज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, 19 में मैं रेगुलर हुआ एंड टिल नाउ, मैं अगर अपनी बात करूं तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस अबाउट मी व्हेन आई जॉइंड केवी एज कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टुडे। तो ये सारी जो है केवी की देन है, केवी आपको हर लिहाज से जो है अपडेट करता रहता है, एंड इफ यू आर अ कीन लर्नर तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर यू विल लर्न अ नंबर ऑफ थिंग्स, इट इज फॉर श्योर। यस बिल्कुल सर, मैं भी केंद्रीय विद्यालय का हमेशा से शुक्रगुजार रहा हूँ कि आज भी मैं भी जिस पद पर यहाँ तक आज पहुँच पाया हूँ उसमें केंद्रीय विद्यालय का एक बहुत ही अहम रोल है। कॉन्फिडेंस हो गया, अलग अलग तरीके से लोगों से बातचीत करना हो गया, पूरे भारत देश के अंदर
पहली बात मैं अभी जोड़ना चाहूंगा कि आज मान के चले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश भर के सभी एस्पिरेंट्स तक मेरी अगर बात पहुंच रही है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ केवी। ये केंद्रीय विद्यालय की ही वजह से है जो कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं आपसे बात कर पाया और सारे देशवासी जो हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं। तो किसी भी कैंडिडेट को ये डरने की जरूरत नहीं है कि केवी में बहुत हैक्टिक है। केवी डेफिनेटली बहुत ही वंडरफुल प्लेस है, एंड इन फैक्ट मैं हमेशा कहता हूं कि वी आर डेफिनेटली प्राउड केवियंस, कि हम प्राउडली ये कह सकते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ दिस दिस संगठन। बहुत ही खुशी सर, होती है। कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स के मन में, जैसे जब जॉब के लिए जाते हैं तो उनके मन में ये भी रहता है कि वहाँ पे जाएंगे तो क्या मिलेगा। तो बेनिफिट वाइज अगर हम देखें तो केंद्रीय विद्यालय मतलब क्या क्या बेनिफिट्स एक एम्प्लॉय को देता है? देखिए सर, हालांकि कुछ चीजें जो हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेशन मिलता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन क्वार्टर्स भी बहुत सारे हमारे मेजोरिटी ऑफ केवीज में हैं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन भी मिलता है। उसके अलावा और व्हाट नॉट, मैं तो इतना ही कहूंगा कि क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। बिल्कुल आइए और बहुत ही अच्छे से सारे कैंडिडेट्स जो हैं तैयारी करके आए बिल्कुल, और हमारे इस संगठन का पार्ट जो है वो बने। जी सर, तो सर ये तो हो गई बेनिफिट्स की बात और अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ आपने बता ही दिया। तो इसका मतलब अगर कोई भी कैंडिडेट इस समय सोच रहा है अपने दिमाग में, तो आपकी बातों से काफ़ी बूस्टअप होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बाद में भी अगर कुछ साथियों के सवाल हुए तो उन साथियों का सवाल देने के लिए आप ज़रूर तत्पर होंगे और अपना एक्सपीरियंस उनके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, सबसे पहले सर आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर अंतिम कुछ शब्द अगर कहना चाहें तो आपका पूरा स्वागत है। जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि सभी जितने भी कैंडिडेट्स जिनका भी स्कोर अच्छा है, जिन्हें लग रहा है कि हम इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे, रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे, वो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें, बिना डरे, बिना किसी चीज को घबराए। जितना कम सोचेंगे उतना अच्छा। बहुत ज्यादा चीजें मत सोचिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए और डेफिनेटली आपके साथ अच्छा ही होगा। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑल द कैंडिडेट्स हु आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर शो, और यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग जो हैं सेलेक्ट होकर के हमारे इस संगठन में आए, हम आपका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा होगा कि कुछ समय बाद क्या पता कोई ये सेशन इस समय देख रहा है और आपके विद्यालय में ही उनकी पोस्टिंग हो जाए। एक हार्ड स्टेशन और सॉफ्ट स्टेशन, इसको लेकर के भी काफ़ी सारी चर्चा रहती है। सर मैं सेशन को अंत करूँ, एक बड़ा ही ज़रूरी सवाल एकदम से दिमाग में आया, वो था ट्रांसफ़र्स को लेकर के, कि केवी में बहुत लोग जी आते हैं और उनको ये लगता है कि पता नहीं कहाँ बाहर पोस्टिंग मिलेगी, क्या घर के पास पोस्टिंग मिल सकती है, इसका क्या चक्कर है? मतलब ट्रांसफ़र को लेकर के या फिर अपने होम पोस्टिंग को लेकर के कैंडिडेट क्या सोचे? देखिए, सबसे पहली बात है कि डरने की जरूरत कभी भी किसी को भी नहीं है। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग जो है लखनऊ रीजन में था, केंद्रीय विद्यालय बलरामपुर में, जब 2019 में मैंने ज्वाइन किया था, और उसके बाद 21 में मेरा ट्रांसफर हो गया लगभग 2 साल के बाद, और आज जहां पर मैं पोस्टेड हूँ ये मेरा होम टाउन है। अरे तो वाह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें होम टाउन नहीं मिलता, ये सब मिथ्स हैं। आप बस अपना काम जो है वो 100% निष्ठा के साथ करते रहें, पूरी लगन के साथ करें, तो जो द अल्टीमेट सुप्रीम पावर है दैट ऑल्सो हेल्प्स यू। इट इज माई फर्म बिलीव इन दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि अगर आप जिस संगठन में हैं, जिस संगठन के लिए आप काम कर रहे हैं, अगर आप 100% उस संगठन के लिए दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली दैट सुप्रीम पावर ऑल्सो हेल्प्स यू, और अल्टीमेटली वो घूम फिर के आपके लिए अच्छा होता है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आप होम टाउन नहीं जा सकते, आप बिल्कुल होम टाउन, हो सकता है किसी को द वेरी फर्स्ट पोस्टिंग होम टाउन मिले, बिल्कुल नहीं भी मिलती, बाहर भी मिलता है, बिल्कुल आप जाइए, एक नया एक्सपीरियंस है। मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा सर कि केंद्रीय विद्यालय, जैसे कुछ कुछ केंद्रीय विद्यालय जो हार्ट स्टेशन है, जैसे किश्तवाड़ में केंद्रीय विद्यालय हार्ट स्टेशन है हमारे यहाँ जम्मू रीजन में, तो जिस जब पहले लोग आते हैं तो तब तो थोड़ा सा घबराए होते हैं, लेकिन हर एम्प्लॉय, मैं जब वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर था तो आई यूज टू से वन लाइन टू देम कि फील योर सेल्फ लकी दैट यू हैव गॉट केवी किश्तवाड़ एज योर फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग।
और उसके बाद जब वो लोग जाते थे सच में वो इस बात को एडमिट करते थे कि हाँ ये बहुत ही अच्छा स्टेशन है। तो हार्ड स्टेशन सोच करके भी कोई घबराए ना, जहां भी पोस्टिंग मिलती आप जरूर जाएं, अपना टेन्योर अच्छे से काट करके अपनी एक अच्छी सी छाप छोड़ के स्कूल में, वहां से आए डेफिनेटली आपको अपना होम टाउन भी मिलेगा। जी सर, धन्यवाद सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया। सभी साथियों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही एनर्जेटिक बातें सभी के साथ करी, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो आप फिर से आप मार्गदर्शन करने के लिए आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।